जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ बैलून लीव्स फ्रॉम अ पॉइंट पी राइज एट अ यूनिफॉर्म स्पीड आफ्टर 6 मिनट एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 450√3 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी ऑब्जर्वर दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून इज 60 डिग्री एज्यूमिंग दैट द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द पॉइंट पी आर ऑन द सेम लेवल व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बैलून। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई ये मेरे पास में एक पॉइंट है पी, यहाँ से एक बैलून को छोड़ा गया और जैसे ही बैलून यहाँ पर पहुँचता है एक ऑब्जर्व है जो ऑब्जर्वर है जो पॉइंट क्यू पर है और वो पी से कितनी दूरी पर है 450√3 मीटर की दूरी पर है। ऑब्जर्वर जब देखता है इसका एंगल तो उसे एंगल 60 डिग्री दिखाई देता है और बैलून जो है वो ऐसे अप कर रहा है और वो 6 मिनट लेता है पी पॉइंट से इस आर पॉइंट तक पहुंचने में। एग्जामिनर ने पूछा कि उसकी स्पीड क्या होगी, तो मुझे पता है कि भाई डिस्टेंस अपॉन में अगर टाइम मिल जाए तो मुझे मेरे पास में स्पीड मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये मेरा 90 डिग्री है तो ये मेरे पास कितना होगा आपका, ये मेरे पास में होगा आपका 30 डिग्री। अब देखिए ये 30 के सामने वाली जो साइड है अगर मैं उसे √3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरी 60 के सामने वाली साइड आ जाएगी। यानी 30 के सामने वाली साइड जो होती है उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के सामने वाली आ जाएगी वो, यानी 450 × में √3 है यहाँ पर और इसको अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास 450 × में 3 ये हो जाएगी और ये वाली मेरी साइड ये आ जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस मिल गया, टाइम मुझे गिवन है आपका, तो मैं लिख सकता हूँ आपका 450 × में 3 बाय में ये आपका हो जाएगा कितना 6 मिनट। यानी कि इसको मैं से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर पर मिनट में आएगा, बट मुझसे मीटर पर मिनट में सेकंड में पूछा गया है तो इसको 60 से मैं डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब है मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका, इस सेकंड में चेंज आएगा। इसको मैं से डिवाइड करूंगा ये मेरे पास 4 आएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 15 बाय 4। इसको डिवाइड करूंगा तो 4 × 3 = 12.4 × 7 = 28.5 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका, ये ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, 3.75 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।